अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके सामने नीट के रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट लाए हैं, नीट यूजी के रिलेटेड। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। और सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके अलावा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएं ताकि हम वहाँ पर भी जो टेक्स्ट की फॉर्म में जो हम अपडेट देते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं जम्मू कश्मीर से कितने स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसके बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारे पास एनटीए ने जो डेटा रिलीज़ किया हुआ है हर एक स्टेट का कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर हुए हैं, कितने रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो पूरा डेटा मैं आपके साथ जो है यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा और जो प्रीवियस ईयर का डेटा था, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने रजिस्टर्ड हुए, तो उसके साथ मैं यहाँ पर जो है कंपेरिजन भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए, जो 2022 की अगर हम बात करें, इस ईयर में जो है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर नीट यूजी, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था नीट यूजी के लिए जम्मू कश्मीर से, वो टोटल थे 38,140। तो टोटल जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है फॉर्म फिल किया हुआ था नीट यूजी के लिए जम्मू कश्मीर से, ये जम्मू कश्मीर का डेटा मैं बता रहा हूँ, 38,140 टोटल स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। तो इनमें से जो है जिन्होंने एंट्रेंस दिया नीट का एंट्रेंस, इनमें से कितनों ने दिया वो आप देख सकते हैं कि 36,374 जो है ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है नीट का एंट्रेंस दिया हुआ है। ये 2022 की बात है। अगर हम 2021 की बात करें, उसका डेटा देखें, तो 2021 में जो है जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनका नंबर जो है 34,615। तो आप खुद देख सकते हैं कि 2021 में जो है और 2022 में अगर हम देखें तो 4,000 का जो है डिफरेंस आ रहा है जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। इसका मतलब कि कंपटीशन जो है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी जो है वो बढ़ते रहते हैं। अब 2023 में कितने होंगे वो अब आगे हमें फर्दर जो आने वाला एग्जाम है उसमें पता चल जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर कितने हुए थे 2021 उसकी बात करें तो 31,479। अब जो है इतने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, अगर हम 2022 की बात करें 36,374 अपीयर हुए हैं। अब जो है इनमें से जो है अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, टोटल सीट्स यहाँ पर थाउजेंड्स है एमबीबीएस के लिए, और इसका जो रेशियो अगर हम देखें, सीट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो अगर हम देखें, ये बिल्कुल बहुत ही कम है। अब फिलहाल हम उम्मीद लिए हुए हैं कि दो कॉलेजेस में जो है इस बार जो है एडमिशन, जो नए जो दो कॉलेजेस हैं जीएमसी उधमपुर और जीएमसी हिंदवाड़ा, अभी फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो है उनको जो है अप्रूव कर दिया है। अब फिलहाल अगर वो फंक्शनल होंगे तो टोटल जो है 1200 जो है हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स आ जाएंगी। तो उसको लेके अगर कोई अपडेट आता है हम जरूर अपने चैनल पे शेयर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो इस डेटा को देख सकते हैं और फिर अपना जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है 2023 के लिए जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं वो भी जो है इस डेटा को देख के जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है थोड़ा गियर अप कर सकते हैं, क्योंकि इस डेटा से जो है थोड़ा कंपटीशन लेवल का पता चल जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी अपडेट के साथ।